बात अब बहराइच की करेंगे। बहराइच मामले में आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। कल आरोपी सरफराज और तालिम का एनकाउंटर हुआ था, दोनों के पैर में गोली लगी थी। जुमे की नमाज को भी लेकर देखिए बहराइच में अलर्ट जारी किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए जिस तरह से बीते दिन ये बड़ी खबर सामने आई थी, बहराइच की आपने तस्वीर देखी थी, नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे आरोपी। और इसी बीच दो आरोपी सरफराज खान और मोहम्मद तालिम का नेपाल बॉर्डर के पास एनकाउंटर किया गया, दोनों के पैर में गोली लगी। इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं आरोपियों का एनकाउंटर किया गया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। यूपी पुलिस ने सरफराज के भाई फहीम, पिता अब्दुल और मोहम्मद अफजल को भी हत्या के आरोप में अरेस्ट कर लिया है। और बहराइच में 13 अक्टूबर को हिंसा हुई थी, 22 साल के राम गोपाल मिश्रा के इसमें जान चली गई थी। और देखिए ये तस्वीर बीते दिन की, जब नेपाल बॉर्डर पर इन आरोपियों को पकड़ा गया, एनकाउंटर किया गया। और आज आपको बताते चले कि इन आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है और साथ ही साथ आज जुमे की नमाज है, इसे भी लेकर बहराइच में अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।